बढ़ते हैं, लेकिन कितना देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होती है आपको प्रॉपरली मालूम नहीं है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज ध्यान रखना है, और वो चीज है, और खास कर में राजकोट और सौराष्ट्र में एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि लोगों के मुंह में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सीपीआर आप ब्रेथ उनको दो और मुंह के अंदर जो है वो अटक जाए सीधा गले में, माओ होता ना, तो माओ फंस जाता तो वो ऐसे ही मर जाए, या तो चिकन खाए और चिकन अंदर चली जाए, या कुछ मतलब मुंह में भरा हुआ वो अटक जाए। तो आपको पहले उसको देखना है, ठीक है, ओके। फिर इसका देखना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा ना, आपको देख लेना है। पहले चीज हमेशा करना है, डॉक्टर आप जो भी है आप पहले ट्रीटमेंट करें, कोई शर्म रखो, पहले कुछ लगा है नहीं लगा है उसको देख लो, ठीक है। या तो लग रहा है कि ब्लडिंग निकल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऐसे करो और उसका जो मुंह है, ठीक है, वो सीधा रहना चाहिए। आपको सीपीआर देना है, सीपीआर क्या होता है मैं बताता हूँ। छाते का ये जो भाग होता है या त्रिकोण पड़ता है, ठीक है, यहाँ त्रिकोण पड़ता है और यहाँ हमारा हृदय होता है जो दबकता है, मालूम है ना कहाँ होता है, हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, दाएं या बाएं, बाएं तो ठीक है, ठीक है। आपको ऐसे घुटनों पर बैठ जाना है और याद आता है ये करना है, त्रिकोण के पास में ठीक दो उंगली छोड़ के यहाँ आपको दबाना है, कितनी बार दबाना है, तीन बार, 39। और टेंशन मत लीजिए, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उतनी मजबूत होती है, ठीक है, वैसे टूटेगी नहीं, लेकिन आपको कितना दबाना है, 2 इंच जितना अंदर जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई करता हूँ, बिल्कुल देखना, ऐसे करना है, लेकिन 39, क्योंकि एक बार करोगे आप देखोगे नहीं होगा, आपने कर दिया नहीं होगा। अगर आपको सीपीआर देना है, अगर कुछ आदमी अनकॉन्शियस है, उसको कुछ शॉक लग गया है, शॉक लगने के टाइम पे ज्यादा होता है, शॉक लगने के टाइम पे या हार्ट अटैक आने के टाइम पे ये ज्यादा होता है कि आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उनका हार्ट है वो बंद हो जाता है, अगर वो 5-10 मिनट में आप उसको ट्रीटमेंट दे सके तो आदमी के बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये 30 टाइम करना है, लेकिन 30 टाइम जो है वो जल्दी जल्दी करना है। देखिए मैं काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए, 30 टाइम करना है, और फिर उसका जो मुंह है उसमें से आपको हवा भरनी है, उसमें से हवा भरनी है, उसका मुंह खोलना है, उसका हवा भरनी है। लेकिन हमेशा एक चीज का याद रखो कि उसके मुंह में अंदर कुछ हो ना, क्योंकि कई बार लोग ब्रेथ देने में ये गलती कर देते हैं, ठीक है। उसका जब मुंह करो तो आप ये रखो, फिर लेकिन आपका हाथ यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो रुमाल उमाल भी आप यूज कर सकते हो, या तो फिर अपना हाथ रुमाल लेके उसके मुंह में कुछ पड़ा है तो पहले साफ कर लो, एक बार ब्रेथ देना है, फिर 30 टाइम भी ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे टूटेगी नहीं इसकी हड्डी। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक 108 नहीं आती, तब तक आपको ये प्रोसीजर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक करनी है, ठीक है। पूछा ज्यादातर हम क्या करते हैं,
अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सीधा मतलब उस फुट को उनको गाड़ी में ठोक देते हैं, घर से दबा रहा हो गया। लेकिन फर्स्ट एड वही है जो आप उसको पूरा करें, ठीक है? ओके, मैं एक वीडियो भी दिखाता हूँ सर। हाई वोल्टेज का शॉक लगा, शॉक लगा हो तो बाद में केबल सूट है फिर भी बॉडी में करंट रह गए नहीं, वो ज्यादातर अगर हाई वोल्टेज का शॉक लगा है तो कहीं ना कहीं